पता है देश काहे पीछे है? क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं भ्रष्ट हो जाते हैं, अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक और ठेकेदार से लेकर मुंशी और लेबर तक सब काम चोर होते हैं, इसीलिए देश पीछे है और लोग भ्रष्टाचार का शिकार हो जाते हैं। आम जनमानस का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है और विकास के नाम पर आया हुआ पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है और पानी में मिल जाता है। यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ कोई खास बात नहीं है, लेकिन आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर इंजीनियर जो है वो इंजीनियर अगर अच्छा मिल जाए, ईमानदार मिल जाए, तो पुल्हा ऐसे बनता है एकदम चकाचक। इधर दिखाइए पुल को। अगर जो है ठेकेदार और कर्मचारी और लेबर मिस्त्री अगर अच्छा मिल जाए तो पुल ऐसे बनता है चकाचक और ये बरसों तक नहीं टूटेगा। लेकिन अगर ठेकेदार और जो है कर्मचारी और अधिकारी और इंजीनियर भ्रष्टाचारी मिल जाए तो सड़क की दुर्दशा ऐसी हो जाती है। अब हम ये बात काहे कर रहे हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। ये पुल जो है 2006 में बना था और ये पुल 2006 में बना तो आज तक नहीं टूटा और कहीं से दरक भी नहीं आई और ना कहीं से ये चिटका पिटका। लेकिन इस सड़क पर 2006 से कितनी बार पैसा निकाला गया होगा हमको नहीं पता, लेकिन 2006 से हर साल इसकी मरम्मत के लिए पैसा निकाला गया होगा और बताया गया होगा कि सड़क को हम बना दिए हैं। लेकिन किस पे? कागजों पर। और कागज पर बनी सड़क ऐसे होती है, दिखाइए एक बार, गड्ढा मुक्त सड़क का ये हाल है। और ये दो विधानसभाओं को ये सड़क जोड़ती है, मिल्कीपुर विधानसभा और बीकापुर विधानसभा। 2006 में बना ये पुल, दिखाइए एक बार इधर, 2006 में बना तमसा नदी के ऊपर ये पुल, कहीं से भी डैमेज नहीं हुआ, क्योंकि इसको बनाने वाले जो ठेकेदार थे, इंजीनियर थे, कर्मचारी थे, लेबर थे, मिस्त्री थे, वो ईमानदार थे। लेकिन 2006 से कई बार बन चुकी ये सड़क, आज भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है और 1 किलोमीटर की दूर में ये सड़क ऐसी ही टूटी फूटी पड़ी है। और ऐसी ही सड़क मिलेगी, कारण कि हम लोग पढ़ लिख के ना अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोग पैसा कमाने के चक्कर में भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। और यही कारण है कि वही ठेकेदार उस पुल को बनाया तो वो पुल आज तक नहीं टूटा, और वही ठेकेदार इंजीनियर इस सड़क को बनाया तो ये पुल टूट गया है। हम यही कोशिश करेंगे कि सड़क जो है जल्दी से जल्दी बन जाए, संबंधित अधिकारियों को सूचना जाए। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का, हम अपने स्वार्थ के लिए आवाज उठाते हैं लेकिन जनता के स्वार्थ के लिए आवाज नहीं उठाते हैं। रात में 10 बजे 11 बजे तक इस रोड पर आदमी और इंसान, गोरु जानवर सब चलते हैं, लेकिन रतिया में 10 बजे कोई आएगा ना तो इसी गड्ढा में डूब के मर जाएगा और सुबह खबर छपेगी, हेडलाइन बनेगी कि तमसा नदी के पुल के ऊपर एक आदमी जो है मर गया। कैसे मरा नहीं पता। अब ठीक है, यह गड्ढा मुक्त सड़क है, गड्ढा मुक्त है वो तो हमें पता ही है। आइए यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हैं, इनसे भी बात कर लेता हूँ। कहाँ पर हूँ खड़ा, क्योंकि मैं चुनावी यात्रा पर निकला था और लोगों ने बताया भैया ये सड़किया पूरी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है, ये गड्ढा मुक्त सड़क है। कहाँ के रहने वाले, कौन सी जगह है ये? भवनियापुर। अच्छा, भवनियापुर में है। हाँ। और ये सड़क का क्या हाल है, कब से है ये हाल? ये हो गया कम से कम 3 साल। 3 साल से और ऐसी टूटी फूटी सड़क ऐसे है। पता है आपको, दोष किसी का नहीं है, हर साल इस सड़क के निर्माण के लिए, सड़क की मरम्मत के लिए ना बहुत सारा धन राजस्व से निकाल लिया जाता है। योगी जी बेईमान थोड़ी हैं, योगी जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस सड़क की मरम्मत करने वाले ठेकेदार इंजीनियर सब बेईमान हैं। इस सड़क को बनवाएंगे नहीं, इसमें माटी नहीं भरवाएंगे, पैसा निकालेंगे और जेब में रखेंगे और घर चले जाएंगे। क्यों भैया, कब से ये सड़क टूटी है बताएंगे? हो गया 3 साल हो गया। 3 साल हो गया है तो ये बने बनेगी या ऐसे ही रहेगी भाई? तो आप लोग पता होगा कहाँ बनेगी। अच्छा, ये आदमी एकाध इसमें गिरे उरे चोट टोट लगी है किसी को? नहीं, किसी को नहीं। अच्छा, मतलब आदमी बचा के निकल जाते हैं? हाँ, बचा के निकल जाते हैं। लेकिन बननी चाहिए या नहीं? नहीं, बननी चाहिए। अच्छा, बननी चाहिए आपके हिसाब से? हाँ। ये पुल नहीं टूटा क्योंकि इसको बनाने वाला कर्मचारी, ठेकेदार, इंजीनियर ईमानदार था, लेकिन ये सड़क टूट गई है क्योंकि इसको बनाने वाला कर्मचारी बेईमान था, भ्रष्टाचारी था। वो सोच रहा था कि मेरी जेब भर जाए ताकि इस सड़क का कायाकल्प ना हो। मैं इतना ही कहूंगा कि इस सड़क को बनवाना चाहिए, अगर इससे संबंधित अधिकारी और अगर इससे संबंधित विधायक जी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपकी विधानसभा की बात है, यहाँ आके दौरा कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि सड़क का हाल और दुर्दशा कैसा है। देख लीजिए, यहाँ पर रात में कोई आके गिर जाए, मर जाए तो पता ही नहीं चलेगा वो गया कहाँ, कुछ नहीं पता चलेगा। तमसा नदी के पुल पर था इस वक्त। बहुत बहुत आभार इस वीडियो को देखने के लिए, शुक्रिया, शुभकामना आप सभी दर्शकों को, धन्यवाद।